सुबह 7 से शाम 7 बजे तक खुलेंगी दुकानें। पहले सुबह 7 से शाम 4 बजे तक खोलने का फैसला था। सीएम रावत ने उच्च अधिकारियों के साथ की बैठक और कोरोना के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए निर्देश, क्वारंटीन सेंटर की व्यवस्थाओं को लेकर भी निर्देश जारी किए। बैठक में सुबह 7 से शाम 7 बजे तक दुकान खोलने का फैसला हुआ, एक बड़ी राहत की खबर इस लिहाज से सूबे के लिए कही जा सकती है। तो बैठक में सुबह 7 से शाम 7 बजे तक दुकान खोलने का फैसला लिया गया। आसानी से अब लगभग 12 घंटों तक दुकानदारी कर सकते हैं ग्राहक। जरूरत के सामान अब सुबह 7 से लेकर शाम के 7 बजे तक आसानी से मुहैया हो। सीएम रावत ने उच्च अधिकारियों के साथ बैठक में यह फैसला लिया है। इसके अलावा क्वारंटीन सेंटर में व्यवस्थाओं को बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए हैं। वो इसलिए कि लगातार क्वारंटीन सेंटर से जो अव्यवस्थाओं का आलम है उसकी तस्वीरें सामने आ रही थी, इस पर कांग्रेस लगातार सवाल भी खड़े कर रही थी। क्वारंटीन सेंटर में एक मासूम की मौत भी हो गई थी सांप के काटने से। तो पहला बड़ा फैसला, पहले सुबह से शाम 7 से 4 बजे तक दुकानें खुल रही थी। पंकज पवार ब्यूरो चीफ इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर। पंकज, और क्या कुछ बड़े फैसले लिए गए? ये फैसले तो हमने बताए। देखिए, अगर कहा जाए तो जब जिस दिन केंद्र सरकार ने अपनी गाइडलाइन जारी की थी तो उन्होंने सुबह 7 से रात के 7 बजे तक की छूट दी थी और बाकी रात 7 बजे से सुबह के 7 बजे तक लॉकडाउन की बात कही थी, लेकिन उत्तराखंड सरकार ने 4 बजे तक ही उसको रखा था, मार्केट खोलना नहीं था और 4 बजे तक के बाद लॉकडाउन लगाने की बात थी, कर्फ्यू लगाने की बात थी। तो उसको अब सरकार ने और ढील दी है। मुख्यमंत्री ने आज समीक्षा की है, तमाम मुद्दों पर चर्चा की है और उसके बाद अभी राहत दी है, सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक जो मार्केट है वो खुल सकेगा, आवाजाही जो है वो हो सकेगी। जितने ऑफिसेज अगर वो 6 बजे तक खुलते हैं तो वो 6 बजे तक खुल सकेंगे, वरना 4 बजे तक सबको बंद करके अपने घर जाना पड़ता था। तो उसको देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और क्वारंटीन सेंटर को लेकर भी मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर निर्देश दे दिए हैं कि कहीं पे भी किसी भी तरीके की जो स्थिति है वहाँ पे कहीं पे भी ऐसी स्थिति ना हो कि जिससे लोगों को परेशानी हो। सीएम ने साफ तौर पर कहा कि प्रवासी जो आ रहे हैं उनको हर तरीके की सुविधाएं दी जाए जिससे वो अपने आप को उत्तराखंड में आए हैं तो घर जैसा महसूस करें। और ये भी बताइए कि रेड जोन जो है उनमें भी इस फैसलों में कोई रियायत दी गई है? देखिए, रेड जोन तो अभी उत्तराखंड में है नहीं, अगर कहा जाए तो सारे ही ऑरेंज जोन उत्तराखंड में कहे गए हैं और सरकार ने अपनी व्यवस्थाओं के अनुसार यहाँ पर जोनिंग की व्यवस्था की है। पूरा प्रदेश जो है वो ऑरेंज जोन में है। रेड जोन भले ही यहाँ पे 500 के लगभग अब आंकड़े आ गए हों कोरोना पीड़ितों के, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई भी जिला रेड जोन घोषित नहीं किया है। हो सकता है एक दो दिनों में इसको लेकर फिर से कोई गाइडलाइन आ जाए। अच्छा, क्वारंटीन सेंटर्स को लेकर भी कुछ फैसले लिए गए हैं क्योंकि अव्यवस्था का आलम है, विपक्ष भी लगातार सवाल खड़े कर रहा था। अब बिल्कुल, जिलाधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं मुख्यमंत्री की तरफ से कि जो भी व्यवस्थाएं हैं, चाहे खाने की है, पीने की है, इसके अलावा जो पानी है वहां पर हर जगह पर होना चाहिए साफ। चलिए, बहुत शुक्रिया पंकज पवार इस पूरी जानकारी के लिए आपका।